अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख एंड लेट्स टॉक अबाउट द Redmi Note 10 Pro Max। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है आता है लगभग 19,000 और 20,000 रुपए में, एंड ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का मुझे लगा। तो अगर इस स्मार्टफोन के बारे में मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वगैरह देखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ की पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्या कुछ बुराइयाँ हैं जो कि मुझे अच्छी यहाँ पे लगी है। तो गाइस सबसे पहले चीज़, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच मुझे लगा, एकदम प्रीमियम तरह से ये फील होता है, बिल्कुल ही स्लिम लगता है। दोस्तों 8.1 mm की इसकी बॉडी है तो हाथों में पकड़ने में एकदम कंफर्टेबल सा लगता है। लेकिन जी नहीं दोस्तों, यह कोई बिल्कुल ही वन हैंडेड यूज़ वाला फ़ोन नहीं है, यह एक 6.67 इंचेस वाला फ़ोन है, यानी कि काफ़ी बड़ा फ़ोन है जिसे आप एक हाथ से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसे आपको दोनों हाथों को लगाना पड़ेगा अगर आप नॉर्मल यूजेज यहाँ पर करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो ये फॉर्म फैक्टर में आता है, जो ये बॉडी में आता है, वो काफ़ी कमाल का है। जो बैक है वो पूरा का पूरा फ्रॉस्टेड ग्लास यहाँ पर दिया गया है, एंड ये जो कलर इन्होंने लाया है विंटेज ब्राउन, मैं कहूँगा यार बहुत ही कमाल का कलर लाया है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। लेकिन एक बुरी बात ये लगी कि जो इसका ब्लैक कलर वेरिएंट है वो कोई फ्रॉस्टेड ग्लास नहीं है, वो ग्लॉसी है जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह आएंगे, लेकिन इस कलर वेरिएंट में दोस्तों आपको उतने ज्यादा फिंगरप्रिंट वगैरह जो है पता नहीं चलते हैं। उसके बाद अगर आप ये कैमरा का मॉड्यूल देखेंगे गाइस, तो इसे कुछ इस तरह से बनाया गया है जिसे देखने के बाद आपको लगे कि ज्यादा बाहर की ओर नहीं है, लेकिन असल में सच्चाई ये है दोस्तों कि कैमरा का जो मॉड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा बाहर है। अगर आप लोग दोस्तों इसे टेबल पर रखते हैं तो उसके बाद जो ये फोन है काफी ज्यादा हेल्थी है, मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्थी है दोस्तों अगर आप फ्लैट टेबल पे रखते हैं तो। इस वजह से दोस्तों इसमें आप केस को लगाइए, केस को लगाना बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, एंड इसमें जो आपको केस मिलता है इससे जो कैमरा का मॉड्यूल है वो प्रोटेक्टेड भी हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैक में आपको ग्लास मिलता है, बट गोरिल्ला ग्लास है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, बट एटलीस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे ग्लास मिल जाता है, एंड जो फ्रेम है वो आपको यहाँ पे प्लास्टिक का मिलता है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटआउट्स होने ही थे। इसका जो डिस्प्ले है वो है 120Hz का सुपर एमोलेड, एंड सच में गाइस बहुत ही कमाल का मुझे इसका डिस्प्ले लगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले लगा दोस्तों पूरी इंडस्ट्री में। मैंने इसे कंपेयर किया अपने Redmi K20 Pro के एमोलेड डिस्प्ले से, एंड उससे भी ये बहुत ज़्यादा बेटर है, मतलब Redmi K20 Pro की ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कलर, शार्पनेस सब कुछ फीकी पड़ गई दोस्तों इस डिस्प्ले के सामने में। तो ये जो डिस्प्ले है वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है दोस्तों अगर आप सुपर एमोलेड की कैटेगरी में इस प्राइस रेंज में देखते हैं, एंड जो ब्राइटनेस है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर मैं धूप में भी जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, और काफ़ी हद तक दोस्तों अच्छी तरह से दिखती है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा धूप था, मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छे तरह से दोस्तों इसकी जो ब्राइटनेस है वो दिखती है। लेकिन अगर बात कर लें इसके सुपर स्मूथ 120Hz के बारे में तो वो कैसा है, तो देखिए दोस्तों स्नैपड्रैगन 732G है, तो आप इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही स्मूथ चले हर एक सिचुएशन में, लेकिन ओवरऑल जब आप UI को स्क्रॉल वगैरह करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह एक बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ स्मार्टफोन है, एंड सच में 120Hz यूज़ करने में डिलाइटफुल लगता है दोस्तों। एंड एक बार आपने 120Hz इस्तेमाल कर लिया ना, तो दोबारा आपको 60Hz पे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब मैंने यह यूज़ कर लिया तो फिर मुझे Redmi K20 Pro का 60Hz या किसी और फ़ोन का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। तो ये जो 120Hz है बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ही अच्छे से दोस्तों पुश करता है, किसी भी तरह का मुझे लैग या स्टटर नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात बता दूं, यह एक इनिशियल इंप्रेशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैंने हेवी लोड इस पर नहीं दिया है, इसलिए मैं बिल्कुल सर्टेन होकर नहीं बता सकता आपको कि लैग होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों स्नैपड्रैगन 732G है, तो ये जो प्रोसेसर है वो अगर आप इस पर हेवी लोड डालेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तरीकों से यहाँ पे आपको लैग होने में आएगा। अब अगर बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो बहुत ही कमाल क्वालिटी का इसमें आपको कैमरा मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फोटोज को खींचता है। हालांकि आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों फ्लैगशिप लेवल कैमरा से, बट अगेन जितने भी कैमरा जो इस प्राइस रेंज में आते हैं 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, उन सबको किल कर देगा दोस्तों, ये लिख करके रख लो। एंड मैंने इस कैमरा को लो लाइट मोड भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, नॉर्मल मोड में दोस्तों लो लाइट में उतनी अच्छी पिक्चर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसका नाइट मोड यूज़ करोगे बहुत ही तहलका फोटो आएगा दोस्तों। जी हाँ, नाइट मोड में मतलब मैं बिल्कुल ही इंप्रेस्ड हो गया इसकी क्वालिटी से, बहुत ही ज़बरदस्त फोटोज यहाँ पे आ रही है। अगर बात कर ले वीडियो मोड की दोस्तों, तो इसमें आपको 4K 30fps तक मिलता है, लेकिन स्टेबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ
1080p एट 30fps में ही मिलता है, यानी कि 60fps 1080p में भी आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा बमर है। बट हाँ, 1080p 30fps में या 4K 30fps में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग में भी, सो नो इश्यूज विद डैट। और जो फ्रंट कैमरा मिलता है दोस्तों, वो 16 मेगापिक्सल का, लेकिन ये काफ़ी छोटा सा आपको यहाँ पे सेंसर दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा उसकी क्वालिटी, क्योंकि इसका पंच होल काफ़ी ज़्यादा छोटा रखा गया है ताकि स्क्रीन में बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, इसके वजह से उतनी ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसे हैं जो फ्रंट कैमरा के लिए फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे इसकी फ्रंट कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फोटो वगैरह डालने लायक है, आप ले सकते हो। तो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है जो कि डिसेंट फोटोज़ खींचता है दोस्तों, एंड बहुत ज़्यादा कमाल का फोटो नहीं खींचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज मुझे यहाँ पे किया दोस्तों मैक्रो सेंसर ने, मतलब मैक्रो तो एक अलग ही लेवल पे इस पे दिया गया है। इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है जो कि टेली मैक्रो है, यानी कि 2x जूम वाला मैक्रो सेंसर है। तो जैसे ही आप इसमें मैक्रो खोलते हैं दोस्तों, जो कैमरा वो 2x जूम हो जाता है, एंड आप किसी भी सब्जेक्ट के करीब लेके जाते हो तो वो ऑटोमेटिक फोकस भी कर लेता है, क्योंकि वो ऑटो फोकस वाला लेंस आपको दिया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, क्योंकि ये 2x जूम वाला मैक्रो सेंसर है, तो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को ये ले सकता है, एंड बहुत ही डिटेल में ले सकता है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, मैं कुछ दिनों से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने बैटरी बहुत ज़्यादा भी टेस्ट नहीं किया है, बट ओवरऑल मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन टाइम 120Hz पे भी ईजिली मिल जा रहा है। एंड मैंने चार्ज करने की कोशिश की दोस्तों, तो लगभग मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है अभी फिलहाल चार्ज करने में, क्योंकि मे भी हो सकता है दोस्तों सॉफ्टवेयर में बग हो, तो 1 घंटा 25 मिनट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास मुझे चार्ज करने में यहाँ पे लग गया। यानी कि दोस्तों लगभग आप मान सकते हो कि 85 to 90 मिनट्स मुझे चार्ज करने में लग गया, जो कि मैं बिलीव करता हूं कि इसे 70 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अब अगर बात कर ले दोस्तों इसके कुछ और चीज़ों के बारे में, तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, एंड एक स्टीरियो स्पीकर राइट में और एक लेफ्ट में है दोस्तों, एंड टॉप का पार्ट बिल्कुल ही भरा भरा सा लगता है दोस्तों अगर आप इसका देखेंगे। एंड अगर मैं इससे म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अगर आप फ्लैट सर्फेस पर रखते हो तो म्यूज़िक बिल्कुल भी दबता नहीं है और भी ज़्यादा लाउड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो राइट वाला स्पीकर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, एंड जो लेफ्ट वाला स्पीकर है वो हल्का कम लाउड है। यानी कि अगर आप 100% वॉल्यूम रखते हो तो 100% पे दोस्तों राइट वाला स्पीकर से तो आएगा, लेकिन जो लेफ्ट वाला स्पीकर है, क्योंकि हो सकता है अलग क्वालिटी का स्पीकर इस्तेमाल किया गया हो, तो लगभग 80 to 85% वॉल्यूम इसमें रहता है, या 75% आप मान सकते हो। जिसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब कोई ऐसे हो जो कि नोटिस करते हो इन सब चीज़ों को, तो अगर आप बिल्कुल फ्रंट में रखोगे तो नोटिस कर लोगे कि ज़्यादा साउंड जो है राइट से आ रही है एंड लेफ्ट से थोड़ा कम साउंड आ रही है। तो इस वजह से दोस्तों आपको थोड़ा सा कभी कभी अनकंफर्टेबल फील हो सकता है अगर आप मेरी तरह चूजी और बहुत ज्यादा जो है निट पिकिंग वाली चीज करते हो, तो आपको लग सकता है यहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों 3.5mm जैक मिल जाता है जो कि हाईफाई ऑडियो को सपोर्ट करता है ईयरफोन के थ्रू। दोस्तों इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, अगर आप सेटिंग में जाकर के हाईफाई को इनेबल कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आपको ऑडियो वगैरह आनी है दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर मैं जैसे ही करता हूं तो ये ओपन हो जाता है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। हालांकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसमें हमें होना चाहिए था दोस्तों कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, लेकिन कोई इशू नहीं है दोस्तों, साइड माउंटेड है तो भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये काम यहां पे करता है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह भी मिल जाता है दोस्तों। तो ओवरऑल ये जो फोन है दोस्तों टोटली 4.5 out of 5 star देने लायक है, या फिर कुछ मामलों में आप इसे 5 star भी दे सकते हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो क्या आपको Redmi Note 10 Pro Max लेना चाहिए? तो देखो गाइस, हमेशा की तरह मेरी यही ओपिनियन है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 108 मेगापिक्सल को एक्सपीरियंस करना है, तो आप ले सकते हो Redmi Note 10 Pro Max, क्योंकि 4000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 108 मेगापिक्सल यहाँ पे एक्सपीरियंस करने में। लेकिन अगर आपको 64 मेगापिक्सल से खुश है, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेगा, एंड 64 मेगापिक्सल दोस्तों वे इनफ है आपके लिए अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे वीडियो बनाना चाहते हो, चाहे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहते हो, उन सभी चीज़ों के लिए 64 मेगापिक्सल बहुत ही अच्छा है। एंड सारी चीजें बिल्कुल सेम मिलती है, बस कैमरा में डिफरेंस है मैक्स में। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन यही है कि अगर आप प्रो ले सकते हैं तो प्रो लीजिए, सिर्फ उनके लिए जिनको 108 मेगापिक्सल से
फोटोज लेने एंड उसे जूम करके क्रॉप करके इस्तेमाल करना है तो सिर्फ उनके लिए ही ये मैं रिकमेंड करूंगा। बट ओवरऑल ये जो फोन है बिल्कुल भी काटने लायक नहीं है, या ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 108 मेगापिक्सल के लिए 3000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते भाई। ये क्वालिटी है, प्रोवाइड करता है एंड इसका नाम मैक्स है तो ये सच में मैक्स है तभी इसका। तो गाइज जी हाँ, ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड है इसकी प्राइसिंग। एंड जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त फोन है जिससे आप बाय कर सकते हो। एंड फाइनल सवाल कि क्या ये मोड़ने से टूटेगा? नहीं टूटेगा दोस्तों, जब तक आप जानबूझ करके ना तोड़ना चाहो। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।